हेलो गाइस, चीनी दोस्त हमें हमेशा अपनी सोच से चौंका देते हैं और आज हम आपको मध्य एशिया के 7 गजब के और कारगर गैजेट्स दिखाएंगे। चलिए इन्हें चाइनीज लाइफ हैक्स बोलते हैं। बहुत पहले हमने आपको स्प्रिंग और मैग्नेट वाला जो लाइफ हैक दिखाया था, ये गैजेट उसका बेहतर वर्जन है। इसमें दो पैनल और कुछ ऐसी क्लिप्स हैं जिनके अंदर मैग्नेट है। पैनल के पीछे की तरफ डबल साइडेड टेप है जिससे आप इसे टेबल के ऊपर या कहीं और चिपका सकते हैं। अब आपको इन क्लिप्स को खोलकर यहाँ पर उन केबल्स को लगाना है जिन्हें आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे ये जमीन पर कहीं भी ऐसे नहीं पड़े रहेंगे कि आपके पैरों में फंस जाएं। इतने बड़े पैकेज में ये छोटी सी चीज आई है, बस इसे अपने स्मार्टफोन या टैबलेट में लगाइए और अब आप कोई फ्लैश ड्राइव या कोई भी स्टोरेज डिवाइस अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपके पास कोई कंप्यूटर ना हो तो भी आप अपने स्मार्टफोन से फ्लैश ड्राइव या फाइल्स कॉपी करके अपने फोन की स्टोरेज को खाली कर सकते हैं या फिर फ्लैश ड्राइव में रखी मूवीज भी देख सकते हैं। कई लोग पेन को बार बार दबाना या अपने हाथों को किसी न किसी तरह के काम में लगाना पसंद करते हैं। हमें तो लगता है कि ये अगली डिवाइस ऐसे ही लोगों के लिए बनाई गई है। इसमें बहुत सारे बटन्स और व्हील्स हैं जिन्हें आप जैसे चाहें अलग अलग आवाज निकालने के लिए वैसे दबा और क्लिक कर सकते हैं। पता नहीं लोग इसे इतना पसंद क्यों करते हैं, पर इसे अगर आप स्कूल लेकर जाएंगे तो आप पूरी क्लास को परेशान कर देंगे। हमें अभी से गर्मी महसूस होने लगी है जो कि अभी लगभग 2 और महीने रहने वाली है, पर अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो ये गैजेट आपकी जिंदगी को आसान बना देगा। ये एक लचीली स्टिक से जुड़ा छोटा पंखा है जिससे आप अपने डिवाइस के USB पोर्ट में लगाकर और एक छोटा बटन दबाकर इससे आने वाली हल्की हवा का मजा ले सकते हैं। कुकी को भी हवा की जरूरत है। सिर्फ लड़कियां ही समझ सकती हैं कि ये चम्मच रसोई में कितने काम का हो सकता है। इसकी खास बात यह है कि ये वजन माप सकता है, साथ ही कुछ बढ़िया खाना बनाने में भी मदद करेगा। हमने इससे स्टीफन का भी वजन किया। इसका वजन पूरे 37 ग्राम है। ये चल्ला दुनिया के लगभग हर टीवी के लिए एक यूनिवर्सल रिमोट की तरह काम करता है। इसे किसी भी टीवी से कनेक्ट करने के लिए इस बटन को दबाइए और तब तक दबाए रखिए जब तक कि टीवी म्यूट ना हो जाए, और बस हो गया। ये टीवी अब आपके कंट्रोल में है। आप इसके वॉल्यूम को अपने हिसाब का कर सकते हैं और चैनल बदल सकते हैं। बस इसे मॉल और कैफे में लगे टीवी को हैक करने की मत सोचिएगा। लेकिन सबसे पहले हमें ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आई जिनमें LED लगी है और USB से कनेक्ट करने के लिए पिन है। इसे लैपटॉप या कंप्यूटर में लगाकर हमें एक मिनी लाइट मिल जाती है जो कि आपको पूरी तरह से अंधेरे में नहीं रहने देगी। पर स्टीफन ने हमें इसके कुछ और इस्तेमाल बताए। पहले वाले अडेप्टर का इस्तेमाल करके इसे स्मार्टफोन से कनेक्ट करके हमें फ्लैश के साथ और ज्यादा रोशनी मिल जाएगी। इसके अलावा हम इसे टीवी के USB पोर्ट में प्लग करके इसे टीवी के पीछे एक बैकलाइट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे गजब की बात, अगर आप इस फ्लैशलाइट को एक चार्जर में लगाएंगे तो ये रूम या हॉल के लिए रात की लैंप की तरह काम करेगा। शायद आप में से कई लोग इन गैजेट्स को खरीदना चाहेंगे, तो हमने इन सभी चीजों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए जिससे आप किसी भी नए वीडियो को मिस ना करें।